मैं जा रहा मासवण साहब क्योंकि अज उत्थे मेला भी हैगा। बस कवर करेगा अपने फेस नू ते रुमाल दे नाल। गुड मॉर्निंग सारे, गुड ईवनिंग। गुड ईवनिंग इसलिए कि अज मैं थोड़ा लेट हो गया। मॉर्निंग सुनो पता हमेशा मैं कहना गा, इसलिए लेट हो क्योंकि मैंने कल लगवाया से कोविड का इंजैक्शन वैक्सीन लगवाई सी कल मैंने, वो करके मैं थोड़ा जहा बुखार हो गया सीगा, इस करके मैं थोड़ा जहा लेट हो गया मॉर्निंग। हूँ मैं ठीक हाँ, मैं मेडिसिन ले ली सी। तो अज हैगा ऐतवार, इट मीनस कि संडे अज। तो अज मैं जा रहा मासवण साहब क्योंकि अज उत्थे मेला भी हैगा। तो थोड़े टाइम तक मैं निकलांगा अपने घर तो मासवण साहब नूं, कि मैं कल्ला ही जा रहा। मैं फैमिली पूछा सी भी कोई जाऊगा मेरे नाल, अदरवाइज हाल सारे ना करते, हो सकता कलू जा जा फिर परसों जा, हो सकता मैं अज भी जावा क्योंकि अच्छे फर्स्ट डे आ मेले का। तो जे कल मन वाली हो सकता मैं कलू भी जावा, बाई दी बाई मैं कल्ला ही जा रहा है मासवण साहब। तो उस तो बाद की है मैं घर भी पूछता रहा भी किसी जाना, बट अब सबने ना की हाल तक, हो सकता कलू जावे सारे जने। तो मैं अपने दोस्त को फोन किया भी जावेगा, उन्हें भी ना करती। तो मैं सोचा भी यार हूँ कल जान से ही फायदा अपना। तो मैं हूँ जा, बाइक मेरी तैयार आ गई, मैं भी प्रॉपर तरीके तैयार हो चुकी हाँ। तो बस कल शूज़ पाने ने क्योंकि मैं चाहता मैं ठंड लग जाए क्योंकि मैं रात बहुत ज़्यादा बीमार हो गया सीगा। मैं हूँ रात नाल बैटर फील कर रहा, सवेर तो बिल्कुल ही मैं तो उठा नहीं गया सीगा, यानी कि मैंने नहीं तकलीफ हो गई सी। तो मैं हूँ मेडिसिन ले ली सी, तो हूँ मैं प्रॉपर तरीके वही तरीके ठीक हाँ। तो हूँ मेरे सिर भी इन्ना दर्द नहीं कर रहा है। तो मैं खाना वगैरह खा लिया सी, खाना खाने तो बाद ही अपनी मेडिसिन लेती सी, हूँ मैं ठीक सी। हूँ मैं जाऊँगा मासवण साहब, मैं हूँ बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके रेडी हो चुकी हाँ जाने के लिए। तो बस निकल देंगे, हो सकता जो मैं उत्थे 3-4 घंटे लग जान क्योंकि उत्थे जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, नगर कीर्तन भी आना गा, तो क्योंकि फास्ट दिया मेले अज, तो उस करके अज भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। मोस्टली 3 दिन प्रॉपर तरीके दिन उत्थे भीड़ रहने वाली हैगी। तो मैं अज आऊँगा, हो सकता मैं कल भी जावा, तो जे मेरा मन बनया हाले कुछ नहीं कह सकता, बट मेरी कल ही जाने की प्लैनिंग आ। तो मैं अज भी जा रहा हाँ, तो मैं जाऊँगा अच्छ कल, हो सकता कल मैं फैमिली जावा जा किसी अपने दोस्तों जावा। वाइज मैं हूँ जा रहा नीचे, तो शूज़ पाने, शूज़ पाने तो बाद आप फटाफट निकलेंगे मासवण साहब नूं, तो आप मिलते बाइक पर। फिलहाल मैं तैयार हो गया सी, हूँ मैं थोड़ी जाने तो पहले चाह पी ला क्योंकि मैं थोड़ी भुख भी लगी हुई हैगी। तो उस हूँ मैं जा रहा किचन च। बाइक में तैयार, तो मैं भी तैयार। मोस्टली मैनू तकरीबन 18 या 19 मिनट लगते हैं मास्टर साहब जाने की गुरुद्वारा साहब जाने। तो बस हूँ तैयार आ गया, बस कवर करेगा अपने फेस नू ते रुमाल दे नाल क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होंगी है ना, उस करके ना मैं रुमाल ना सारा कुछ अंदर जाए। इस करके मैं सोचा भी क्यों ना है ना भी अपनी फेस में थोड़ा कवर करेगा क्योंकि मोस्टली मैं अपने फेस में कवर करके रख देना जो मैं कितने आउट ऑफ स्टेशन जाने भी कितने बाइक चलाना, हमेशा अपने मूँह कवर करके रख देंगा। तो फिलहाल आप चल देंगे मासवण साहब, तो मैं तैयार।
ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭੀੜ ਆ ਗਈ ਉਰੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸ ਵਕਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਆਗੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਡੋਲ ਵੀ ਛੁੱਟਾਂਗੇ, ਚੰਡੋਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਉਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਖੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਪਤਨੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਚਾਹ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਟਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਖ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੰਮਸ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਥੰਮਸ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਉਹ ਪਕੌੜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੀਰ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਖੀਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਹਿਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਫੂਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ ਖੀਰ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਖੀਰ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ। जा रहे थे घर में घर वास्ते लैने मेरे पकौड़े क्योंकि मैं तो खा ले थे मोस्टली खा आया थे लंगर से मैं घर वास्ते भी कुछ लै चल देंगे मैं घर वास्ते लैने पकौड़े क्यों गर्म गर्म मैं करवा लेने के तुम देखी होना वीडियो में तो मेरी बाइक भी आ खड़ी हैगी तो फिलहाल मैं चलता घर में घर आज मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा मेला काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा दर्शन किए गुरु महाराज ने मेला देखा चंडोल उठा यानी कि अमेजिंग चीज़ा सब कुछ बहुत अच्छा लग्यागा। फिलहाल मैं हम जा रहा घर में बस मैं 15-20 मिनट के घर पहुँच जाऊँगा तो बस मिलते घर जाके ओके मैं घर आ गया सीगा तो हूँ ही आया थोड़ा टाइम पहले ही तो मैं लगे थोड़ी भुख मैं पीऊँगा दुध तो नाल लेके आया जो पकौड़े वो खावे मैं चलो खाया सगा तो हूँ फैमिली ले कुछ लेके आया थोड़ा परचेज किए थे तो थोड़ा मैं कम पेंडिंग पे वो कराँगा तो उस तो बाद जो हों कर दिया नाल मैं गेट लगा के जाना उपर बहुत अच्छा लगे होगा कुछ भी अच्छा लगे कुछ भी बुरा लगे कमेंट करके जरूर दस्योगे बड़ा मजा आया चंडोल से उस तो बाद गुरुद्वारा साहब गए दर्शन किए है कि नहीं पहले मेरे को जाने की कोई इच्छा नहीं सी क्यों मैं जामा बट की मैं बीमार से ना इस करके बट ठीक हो गया मैं दवाई लेती ठीक हो गया तो उस तो गुरुद्वारा साहब गए दर्शन किए तो लंगर छकिया ठीक है बट सब कुछ आप देखियो सारा कुछ वीडियो में ना तो आई होप कि अज का वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे कुछ भी अच्छा लगे कुछ भी बुरा लगे कमेंट करके जरूर दसो मिलते हैं आप एक होर अच्छे जे ब्लॉग के सारे सत श्री अकाल सबसक्राइब जरूर कर दियो अपने दोस्तों मित्रों नाल भी जरूर शेयर करो मिलते हैं आप एक होर अच्छे जे ब्लॉग के सारे बाय बाय सत श्री अकाल।